हमीरपुर में शादी का झांसा देकर पहले एक युवक ने प्रवासी नाबालिग को भगाने के साथ गर्भवती होने के बाद बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पहले युवक नाबालिग को भगाकर ले गया और बाद में परिजनों के पास छोड़ गया। नाबालिग 16 साल की युवती ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक बेटे को जन्म दिया है, जिस पर महिला पुलिस थाना में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। एसपी अजित सेन ने बताया कि प्रवासी नाबालिग युवती के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर में शादी का झांसा देकर पहले एक युवक ने प्रवासी नाबालिग को भगाने के साथ साथ गर्भवती होने के बाद बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पहले युवक नाबालिग को भगा कर ले गया और बाद में परिजनों के पास छोड़ दिया। नाबालिग 16 साल की युवती ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक बेटे को जन्म दिया है, जिस पर महिला पुलिस थाना में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। एसपी अर्जित सेन ने बताया कि प्रवासी नाबालिग युवती के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि गत 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह वर्तमान में जिला हमीरपुर के एक गांव में रह रहा है और उसकी 3 लड़कियां हैं, जिनमें से 2 की शादी कर दी गई है, तीसरी लड़की उसके साथ रहती है। पिछले साल अक्टूबर माह में वह दिहाड़ी लगाने गया हुआ था। जब शाम को घर पहुंचा तो लड़की घर पर नहीं थी। बाद में पता चला कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला लड़का रामपुर ने लड़की से शादी कर ली है। करीब 2-3 माह पहले लड़की रात के समय घर पास आई और बताया कि रामपुत शादी करने का झांसा देकर भगाकर उत्तर प्रदेश ले गया था। एसपी हमीरपुर अजित सेन ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि लड़की नाबालिग है और लड़की ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है और अभी तक लड़की का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते बयान कलमबंद नहीं किए जा सके हैं। महिला थाने में 6/20 एक FIR रजिस्टर हुई है परसों, उसमें पोक्सो की सेक्शंस और 376 की सेक्शंस जो हैं लगी हैं। उसमें एक कंप्लेनेंट हमारे पास आए थे जिन्होंने कहा कि उनकी 16 वर्षीय लड़की कहीं उनके घर से चली गई थी अक्टूबर 2019 के आसपास, और अब जब वो वापस आई है तो वो गर्भवती हैं और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। हमने इसमें ऑलरेडी एक केस रजिस्टर किया है क्योंकि उनकी उम्र 16 साल है। इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही ये बच्ची फिट फॉर स्टेटमेंट होगी हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही होते हैं, ब्रेक के बाद।